स्केलर्स एंड वेक्टर्स। फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी जो होती है उसको हम दो भाग में, दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं। एक आपका स्केलर हो गया, एक वेक्टर हो गया। इनमें डिफरेंस है डायरेक्शन का। वेक्टर के साथ डायरेक्शन होती है, स्केलर के साथ डायरेक्शन नहीं होती है। एक सिंगल नंबर आप समझ लीजिए, उसके साथ प्रॉपर यूनिट होती है यानी मैग्नीट्यूड होगा। तो स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड होगा, उसकी कोई वैल्यू होगी, उसकी कोई यूनिट होगी। जैसे दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, मास होता है जो ऑब्जेक्ट का, टेम्परेचर क्या होता है बॉडी का, और जो समय लगा किसी पर्टिकुलर इवेंट को होने में, जो रूल्स है अगर आप कंबाइन करना चाहें स्केलर्स को, बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे अल्जेब्रा में हमने किया, 2 + 3, 5 - 6, इस तरीके से। स्केलर्स को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि बेसिक अल्जेब्रिक ऑपरेशन हम इस पर कर सकते हैं, जिस तरीके से हमारे ऑर्डिनरी नंबर है उसी तरीके से। जैसे अगर मैं लेंथ और ब्रेथ की बात करूं रेक्टेंगल के, और 1 मीटर और 0.5 मीटर इसका लेंथ और ब्रेथ है, तो पेरीमीटर निकालना है तो क्या करेंगे, हमको पेरीमीटर निकालना है तो हम सारे साइड को जोड़ देंगे, तो 2 बार 1 आएगा, 2 बार 0.5 आएगा, कुल मिला के 3 हो जाएगा। जो लेंथ है हर एक साइड का वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हम स्केलर क्वांटिटीज को जोड़ रहे हैं। तो जो पेरीमीटर आएगा यानी कि जो इसकी परिधि है, बाउंड्री है, उसको जोड़ेंगे तो वो स्केलर आती है। एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर किसी एक दिन का 35.6 और 24.2 24.2 है, तो डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 11.4 हो जाएगा। एक यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूब लीजिए जो एल्यूमिनियम का है, जिसका एक साइड 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसका मास 2.7 kg है, वॉल्यूम क्या होगा इसका अगर क्यूब है, तो आप वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट दोनों तीनों बराबर होते हैं, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 × 10 × 10, ये सेंटीमीटर में है इसलिए मीटर में किया, इसलिए आपका 10 / 10⁻³ आ रहा है, ये स्केलर है। डेंसिटी की बात करें तो मास को वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो डेंसिटी आ जाएगी, वो भी ऐसा इस तरीके से आ जाएगा। वॉल्यूम मतलब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम और मास को मल्टीप्लाई करके डेंसिटी आ जाएगी। अब वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा यानी कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी एक्स, और साथ में डायरेक्शन भी होगी। और ये जो वेक्टर है इसमें डायरेक्शन ट्राइंगल ऑफ एडिशन को, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वेक्टर्स की, तो ट्राइंगल ऑफ एडिशन को फॉलो करेंगे। ये आप कहें कि क्योंकि ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बन के पैरेललोग्राम बन जाता है, तो पैरेललोग्राम का जो लॉ है एडिशन का वो यहाँ पर होगा। तो वेक्टर इसके मैग्नीट्यूड से स्पेसिफाई होता है और साथ में इसके साथ एक डायरेक्शन भी होती है। जो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम वेक्टर बोलते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, ये सारे के सारे वेक्टर में आते हैं। अब बात आती है कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करें वेक्टर को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो बोल्ड में लिखते हैं उस अक्षर को या उस चीज को, अभी मैं आपको बताऊंगा जहाँ जो जो यहाँ आपको बोल्ड में दिख रहा है। तो वेलोसिटी हम इसको बोल्ड वी लिखेंगे, लेकिन बोल्ड में लिखेंगे, और क्योंकि बोल्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट है बनाना, तो जब हम हाथ से लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, वी लेंगे, इसके ऊपर एक एरो लगा देंगे। तो बोल्ड लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है कॉपी पन्ने में, जब आप इसको आंसर वगैरह लिखेंगे, तो ये जो कैपिटल वी या बोल्ड वी है या फिर वी के ऊपर जो एरो है, ये दोनों ही वेलोसिटी वेक्टर दिखा रहे हैं। जो इसकी मैग्नीट्यूड है वेक्टर की, उसको हम ये जो जैसे वी है इसको हम इस तरीके से कर देंगे, और वेक्टर ले रहे हैं तो मतलब इस तरीके से ले रहे हैं, तो इसके आगे दो लकीरें खींचेंगे आगे पीछे, तो इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू बताएंगे। तो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे बोल्ड फेस से, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और अगर आपका लाइट फेस है तो आप मतलब खास तौर पे जब इनकी मैग्नीट्यूड दिखाना चाहेंगे तो आप इनको नॉर्मल फेस से दिखाएंगे।